अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे YouTube चैनल एसजेबी खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। चलो हम एक बढ़िया रेसिपी बनाते हैं, क्रिस्पी जूसी चिकन बनाते हैं। क्रिस्पी जूसी कैसे चिकन बनाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, चलो देखते हैं। इससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है, आप जब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सब देख सकते हैं। चलो हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं स्टार्ट। रहमान रहीम, हम इसके लिए आधा किलो चिकन लिए हैं। इसको हम धोकर साफ करके 3 से 4 मरतबा साफ करके रखेंगे। इसमें हम पहले चिकन को मैरिनेशन करेंगे। हम इसमें पहले नमक डालेंगे, सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे, फिर इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून जितना ही। इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम जीरा पाउडर डालेंगे, हम रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून डालेंगे, गरम मसाला हम 1/2 टीस्पून डालेंगे और थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर बिल्कुल भी थोड़ा सा हम डालेंगे, टर्मेरिक पाउडर 1 लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे तरीक़े से इसे मसल मसल कर इसको हम इस तरीक़े से हम 1 टेबल स्पून जितना ही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे तरीक़े से मिला लेंगे। मिलाकर हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करेंगे। आप चाहे तो आधा आटा भी रख सकते हैं आपके पास टाइम हो तो। इसके लिए हम 3 अंडे लेंगे। ठीक है, काट ऑन करनी हम उसे कोटेड करने के लिए हम अंडे में 3 अंडे लिए हैं, उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, इसे हम मिला लेंगे। दो बड़े चम्मच हम मैदा डालेंगे। एकदम मिक्स कर लिए हैं, 10 से 15 मिनट हो चुका है। हम तेल गरम ऑयल गरम करने रख चुके हैं। इसमें हम बेक करेंगे। हम बेक क्रम लिए हैं, हम सारा इस तरीक़े से कोट करके रखेंगे।
को हम इतना ही इसमें हम डिप करके रख चुके हैं। इसको अब स्टोर करके कोई भी मेहमान आए पहले से इसको साथ परेशान ना हो इसलिए एक से दो दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से करके आप स्टोर कर सकते हैं कोई एयर टाइट डिब्बे में। हम इसे फ्राई करेंगे, हम मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा सा कम करके हम चिकन डालेंगे। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करके हम सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। नहीं मारेंगे, थोड़ा सा हो जाए एक मिनट या दो मिनट छोड़ कर हम इसे चलाएंगे। मीडियम फ्लेम में हम फ्राई करेंगे, फिर थोड़ा सा चला लेंगे इस तरीके से। दिखाते हैं इसे 10 से 15 मिनट फ्राई कर चुके हैं। इसे थोड़ा सा हम हाई फ्लेम करेंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे हम। थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा चला लेंगे। इसे कलर कितना सुंदर हो गया है, खूबसूरत हो गया है। इसका खुशबू तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसे और भी तीखा कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसके लिए तीखा नहीं करी हूँ। अब इसमें चिली फ्लेक्स सब डाल सकते हैं, ओरेगानो चिली फ्लेक्स। देखो कितना सुंदर इसका कलर हुआ है। देखो कितना क्रिस्पी हुआ है, कितना मजेदार बना है। तो राम क्रिस्पी ले सकते हैं हम, छोटे छोटे टुकड़े में चिकन कर लेते हैं। देखो कितना मज़ेदार क्रिस्पी हुआ है। वाओ टेस्टी यम्मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखोगे।